आखिर ये कैसा कलयुग है जिसमें मंदिर में भी चोरी हो जाती है, चोर इस मंदिर में घुस जाते हैं और मंदिर के दान पात्र में मौजूद तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए चुरा कर मौके से फरार हो जाते हैं। अब क्या चोरी हुआ है ये इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये गल्ला खुला है। हमारे अनुमान के हिसाब से 2 लाख से ज़्यादा कैश है इसके अंदर। रात को यहाँ पर, उससे पहले भी यहाँ पर एक बार एक लड़की घायल मिली थी यहाँ पर, तो ये पुलिस को देखना है कि ये एरिया बड़ा संवेदनशील हो चुका है। ऐसे ही लोग हैं आसपास जो पार्कों में रात को रहते हैं और उसमें आग पी रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं। 4 बजे कॉल गई तो फिर मैं यहाँ आया तो पुलिस पर फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, क्रम ब्रांच वाले आए, उसके बाद FIR वगैरह सारी दर्ज कराई। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलक दिल्ली। इंसान तो इंसान, अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि 6 ताले तोड़कर चोर इस मंदिर में घुस जाते हैं और मंदिर के दान पात्र में मौजूद तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए चुरा कर मौके से फरार हो जाते हैं। आप लोगों को दिखाएं कि रोहिणी के सेक्टर 7 का सनातन धर्म मंदिर है, जी ब्लॉक के पड़ता है, जहां पर बीती रात ये चोरी होती है। आपको हम मंदिर के अंदर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से पहले ही गेट था जिस पर 2 ताले लगे थे, इन तालों को तोड़ा गया, उसके बाद चोर यहां से संभलते हुए अंदर जाते हैं। इस गेट पर 2 ताले यहां पर लगे होते हैं, उन 2 तालों को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद चोर जब यहां से अंदर घुसते हैं तो सामने ही आप देख पाएंगे दानपात्र आपको नजर आएगा, उस पे भी 2 ताले लगे होते हैं जो चोर तोड़ देते हैं। आप सोचिए, मंदिर एक ऐसी जगह जहां पर लोग दान करने आते हैं, जो अब लोगों में इतनी इंसानियत नहीं बची है कि वो लोग मंदिर को भी चोरी से दूर रखें, सुरक्षित रखें। मंदिर में बीती रात चोरी हो जाती है। आइए हम पुजारी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना वो सामान था जो चोरी हुआ, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं, यही वो दान पात्र था। इस तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 ताले थे जिन 2 तालों को तोड़ दिया जाता है और इस दान पात्र से चोरी कर ली जाती है। कहीं ना कहीं इंसान तो इंसान, अब भगवान भी चोरों से बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रोहिणी के सेक्टर 7 के जी ब्लॉक में इस मंदिर में जिस तरीके से चोरी हुई है, अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल प्रशासन पर, व्यवस्था पर खड़े होते हैं। सर, क्या कुछ चोरी हुआ है मंदिर से और कितने बजे की घटना थी? अब क्या चोरी हुआ है ये इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये गल्ला खुला है और गल्ले में हमारे अनुमान के हिसाब से 2 लाख से ज़्यादा कैश है इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल महीने में हमारा निकला करता था 10-12 लाख रुपया, 10-12 हज़ार रुपया, तो साल का अभी हम लगाएं 2 साल 1.5 साल हो गया, तो इसका 2 लाख से ऊपर ही कैश है। अब 2.5 हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, कुछ नहीं पता, लेकिन ये है। और चोरी का हमें जो अंदाज़ा हुआ है, रात को लगभग 4 बजे के करीब हमारे कुछ भक्तजन हैं जो यहाँ पर आते हैं, वहाँ से निकले हैं, तो उन्होंने देखा यहाँ पर कुछ 2-3 लोग थे यहाँ पर, और तो उसको धमकाया गया, उसके बाद चले गए और तब उन्होंने सबको फ़ोन किया, उसके बाद अब यहाँ आए, पुलिस आई हुई है, पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, पंडित जी यहाँ पर हैं। और मंदिर में लगभग ताले नहीं लगे थे या? ताले लगे हुए थे, 3 ताले तोड़े गए हैं, बाहर का एक ताला तोड़ा है, 6 ताले काटे हैं उन्होंने, और ये पार्क के पास में गेट है, इधर से एंट्री किया, उसके बाद ये ताला तोड़ा है, तो ताले काटे हैं उन्होंने। प्रशासन से सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन क्या कह सकता है, पुलिस में कम्प्लेंट कर सकता है। रात को यहाँ पर, उससे पहले भी यहाँ पर एक बार एक लड़की घायल मिली थी यहाँ पर, तो ये पुलिस को देखना है कि एरिया बड़ा संवेदनशील हो चुका है, खासकर ये चौराहा, पुलिस को यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग रात को बढ़ानी पड़ेगी, जो नहीं है इस बात को मैं जानता हूँ। अब पुलिस सोचता है पेट्रोलिंग करती हो, ऐसा नहीं कि पेट्रोलिंग, लेकिन अभी हमें लगता है कि पेट्रोलिंग को समय से नहीं हो रही, और ये आसपास पार्क के अंदर जैसा हमने देखा है कि स्मैग वाले कुछ लोग होते हैं जो रात को भी यहीं पड़े होते हैं, तो ये प्रशासन को देखना चाहिए, दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए कि वो अपनी कार्रवाई करें। हालांकि जब जब हमने दिल्ली पुलिस को कुछ काम करने को कहा है, उसने सपोर्ट हमको किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऐसे ही लोग हैं आसपास जो पार्कों में रात को रहते हैं और उसमें आग पी रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, या बाहर का हमें कुछ नहीं पता, बाहर से कोई आया है क्या, 3 आदमी हैं और जैसा बताया गया था जवान उम्र के लोग हैं, तो अब कौन हो सकता है इसकी बात चर्चा बाद में होगी। जाँच चल रही है, अभी जांच पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस पूरा कॉपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन
इधर पहले भी आसपास के ब्लॉक्स में चोरियां हुई हैं, तो ये अब पुलिस को देखना है कि इसको कैसे कंट्रोल करें, बीट बढ़ाए रात को अपनी वो करें। और मंदिर तो सबका है, सबके लिए होता है मंदिर, और सुबह मंदिर 5-5:30 बजे मंदिर वैसे भी खुल जाता है, तो शायद उनको पता होगा इस बात के लिए, तो इसलिए रात का टाइम उन्होंने चुना। अब रात को कौन हो, अगर रात 11 बजे तक तो लोग यहाँ होते ही हैं, 12 बजे तक घूमते ही हैं, और सभी आसपास के लोग ही, इसी जी ब्लॉक के लोग ही मंदिर में आते हैं। अब किसका काम है कुछ नहीं कहते, ये तो भगवान जानता है, या फिर पुलिस जानेगी इस बारे में बाद में, जो भी सामने कार्रवाई होगी सामने पता लगेगा। हम ये चाहेंगे इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द हो, जो दोषी हैं पकड़े जाएं, और मंदिर की जो प्रतिष्ठा है हमारे यहाँ पर वो बनी रहे। कितने बजे आपको पता चला? मेरे को 4 बजे कॉल गई थी यहाँ से, 4 बजे कॉल गई, तो फिर मैं आया यहाँ आया तो पुलिस पर फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, क्रम ब्रांच वाले आए, उसके बाद FIR वगैरह सारी दर्ज कराई। लगभग 2-2.5 लाख की चोरी हुई है? हाँ, इतनी चोरी हुई है 2-2.5 लाख की। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे सर? शासन से तो वही है, एनीवे चल रही है, जो भी करेंगे वो ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से इस मंदिर में चोरी हुई है, अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ना ही अब भगवान सुरक्षित नजर आ रहे हैं, ना ही इंसान सुरक्षित नजर आ रहे हैं। आखिर ये कैसा कलयुग है जिसमें मंदिर में भी चोरी हो जाती है? आज सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि वीडियो दिल्ली के जो CP हैं संजय अरोड़ा तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, चोरी पर रोक लग सके और प्रशासन सतर्क हो सके। क्या कुछ कार्रवाई होती है? क्या मंदिर का जो पैसा है वो मंदिर को वापस मिल पाता है? ये देखने का विषय होगा। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं, और देखते रहें झलको दिल्ली। अभी के लिए बस इतना ही।